बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको इस में खुश आमदीद। ये किस यहाँ से शुरू होता है कि अमर ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है, उसको अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो वो उसको इग्नोर करने के लिए कानों में हैंड फ्री ले लेता है, लेकिन फिर उठ जाता है क्योंकि वो बेचैनी से महसूस करता है, लेकिन वो फिर अपने काम में किधर तवज्जो देने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम कोशिश होती है उसे। इसके बाद वो दोबारा उठता है और उसके इधर उधर घूमता है, देखता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिकमत जो है उसने कैमरे वगैरह सेट किए होते हैं, तो आमिर जो है वो मलिके को फ़ोन कर रहा होता है लेकिन मलिके जो है वो फ़ोन नहीं उठाती। हिकमत साहब कहते हैं कि बिल्कुल भी इसका फ़ोन मत उठाना और जब जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले। अगले दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कैमरे होती है उसने माँ का इनहेलर छुपा लिया होता है, तो उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो कहती है कि वालदा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे और अपने लिए किया, मैं अभी आती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि माँ जो है नारायण को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। वो कहता है कि सर्जरी कब तक है? वो कहती है थोड़ी देर तक। वो कहता है उससे पहले कुछ है? वो बताती है कि मैंने मरीजों को चेक करना है। यहाँ पर इसी दौरान उसको फ़ोन आ जाता है, इससे पहले कि माँ कहता है कि मैं कल अपनी बात से माजरत खा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम कुछ इस तरह का सोचो, मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम अपनी वालदा से मिलो। यहाँ पर उसको कैमरे फ़ोन करके कहते हैं कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है और आप हमारी मदद करें। फिर कमाल उसे लोकेशन पूछता है, फिर वो लोकेशन बताती है तो वह वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमर होता है वो फ़ोन करता है बार बार, लेकिन कोई उसका फ़ोन नहीं रिसीव करता। ओया भी नहीं रिसीव करती और मलिका भी रिसीव नहीं करती। तो ओया कहती है कि हम ये कुछ उसके साथ ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन हिकमत साहब कहते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है और इसको अपने बेटे को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर अमर जो है चीज़ें उठा के भी फेंकता है, लेकिन फिर बाद में लैपटॉप को लेकर बैठता है और वहाँ पर सर्च करता है बच्चों की नैनी। वहाँ पर वो फिर फ़ोन करता है देखे, तो वो कहता है कि मुझे एक नैनी चाहिए देखभाल के लिए। वो कहते हैं कि आपको किसी बुज़ुर्ग के लिए चाहिए? वो कहता है नहीं, बच्चा है बच्चा। तो वो कहती है कि ठीक है, आप उसके वालिद हैं। वो फिर कहता है कि बच्चा रो रहा है, मुझे अभी चाहिए। वो कहते हैं 2 घंटे तक आ जाएगी। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है और बच्चे कमरे की तरफ जाता है। जब कमरे की तरफ जाता है रास्ते में उसे रिहान की बातें याद आती हैं, जब उसने उससे कहा होता है कि मैं तुम्हारी मौत के नतीजे में ये बच्चा नहीं चाहता, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं इसको वो प्यार नहीं दे सकूँगा और मैं तुम्हारे बगैर इसका बाप नहीं बन सकूँगा, ये मेरे लिए मुश्किल है। जब वो उसके कमरे में जाता है तो उसको उठा नहीं सकता और काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो रो रहा होता है। यहाँ पर फिर सारे उसको देखते हैं और वहाँ उसकी तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पे के माल को आता हुआ देखती है कैमरू, तो फौरन माँ के कमरे में चले जाती है और मामा कहती है और कहती है आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माल नारायण से कहता है कि होश में आओ और इसको बचाओ, और फिर वो उसको बार बार हिलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फरीदे होती है वो एक पौधा लेके आती है, तो बाद में बैठ जाती है, सारे उस पौधे की तारीफ करते हैं। फिर जो होती है जावेदान फरीदे के पास जाती है, तो फरीदे कहती है कि माजरत खा हूँ क्योंकि जब मैं गई तो उनको बगीचे के लिए किसी रजाकार की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे ले लिया, चले आए बात करते हैं। यहाँ पर हम अहमद को खड़ा देखते हैं और सारे उसके कमरे में आ जाते हैं। जब कमरे में आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि माल उसको सॉरी हिकमत उसे गुस्से में देखता है, तो उसने कहा, वो कहता है कि बाबा मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं बन सकता और आप ऐसा मत करें, ये काफ़ी तकलीफ दे है। फिर सारे एक दूसरे को देखते हैं और उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीदे जावेदान के पास बैठी होती है, तो जावेदान उसको कहते हैं कि तुम मेरे पोते की माँ बन जाओ। वो कहती है उसकी माँ कहाँ? फिर वो बताती है कि उसकी माँ तो बचपन पैदा होते ही फौत हो गई थी, बच्चे ने अपनी माँ की खुशबू भी नहीं महसूस की। फिर वो उसको मनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैमरू की माँ होती है उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन नारायण जो है वहाँ पे सकते में खड़ी होती है। फिर इसके बाद वो कमाल उसको जाकर हिलाता और कहता है देखो उसकी मदद करो, वो मर जाएगी उस औरत की। फिर वो नारायण उसके पास आती है और हिलाते हैं। यहाँ पे जो फरीदे होती है वह जावेदान को जवाब दे देती है। फिर जावेदान कहते हैं शायद मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी और गलत तरीके से मैंने शुरू कर दिया, तो देखो मैं तुमने बाहर जाकर भी तो एक नौकरी करनी है और तुम्हें किसी तलाश की चीज़ की तलाश है नौकरी की, और इस तरह तुम वहाँ पर कर लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चे को चुप करवा रहे होते हैं और उसको सहला रहे होते हैं, तो वो कहती है ओया कि हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, हमको कुछ वक्त चाहिए, हमें कि हम इस बच्चे को कमाल के घर छोड़ दें। तो हिकमत कहता है हर किसी नहीं, ये कमाल के घर में नहीं जाएगा, अगर इसके बाप ने भी झंडे गाड़ लिए हैं लड़ाई करने के लिए तो मैं भी फिर तैयार हूँ, मैं इसका दादा हूँ और ये मेरे साथ ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जावेदान और वो फरीदे आपस में बातें कर रही होती हैं। जावेदान उसको समझाती है और कहती है देखो मेरे बच्चे का तुम ख्याल कर रखना पोते का, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरी निदामतों में सिर्फ एक यही अच्छी खबर होगी कि मैं अपने पोते के लिए कुछ कर सकूँ। फिर वो उसको अपनी सारी मजबूरी बताती है और कहते हैं बस ये वादा है कि तुम ये ना बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। और फरीदे कहती है मैं किसी झूठ का सहारा नहीं हो सकती। फिर जावेदान उसको कहते हैं कोई झूठ नहीं है, हम सिर्फ सच छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे के साथ ओया और मलिके प्यार कर रही होती है। फिर ओया कहती है चलो तुम दादा की गोद में जाओ। इसके बाद वो दादा को पकड़ा देती है और वो थोड़ी देर बाद उससे प्यार करता है और वो रोना शुरू कर देता है। फिर वो बच्चे को उठाती है और कहती है शायद मैं इसमें सोना है और मैं जा रही हूँ। फिर हिकमत कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे मीटिंग में फौरन पहुँचता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जावेदान उसको $1 मिलियन का एक चेक देती
देती है फरीदे को और कहती है कि देखो और ये तुम ले लो और मेरे पोते को, इसके बदले मेरे पोते को अच्छी मोहब्बत दो। उसे अच्छी मोहब्बत की ज़रूरत है, निगहदाश की ज़रूरत है। और फिर वो उसकी काफ़ी मीना कहती कहो तो तुम्हारे पाँव पड़ जाऊँ। इसके बाद फरीदे कहती है ना करें ऐसे, ये बहुत मुश्किल है। ये कह के वो चली जाती है और जावेदान बैठी फिर चेक को देखती है और साथ रोती रहती है कि मैं अब क्या करूं। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओया कहती है कि लगता है इसे काफ़ी तेज़ बुखार है और चले हम इसको डॉक्टर के पास लेके चले। यहाँ पे अमर गाड़ी लेके आया होता है एक साइड पे और वहाँ पे भी उसको बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है लेकिन इसमें नाकाम रहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हम गाड़ी स्टार्ट करता है और जाने लगता है। दूसरी तरफ अगला सीन आता है, ये आता है कि जो नारिन होती है और कैमरू वो अपनी वालदा को लेके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, तो वो उसके नारिन भी अंदर चली जाती है। यहाँ पर हम बच्चे को देखते हैं, बच्चे को वो दोनों चुप करवा रही होते हैं कि ज़फ़र से कहते हैं ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते से हम अमूमन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यमीन ने हमें बताया ये शॉर्टकट है, तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है। और यह कहती है कि आप मुझे हर किसी ये ना कहना कि गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है क्योंकि मैं ये सुनने की मुतहम्मल नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कहता है ये सचमुच ख़राब हो गई है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वो सारे वो बातें कर रहे होते हैं कि इस लड़की को उनके साथ अच्छा हो, ये सारा कुछ इसके डिज़र्व नहीं करती बुरा, इसके साथ सारा कुछ ही अच्छा हो और कोई अच्छी खबर आए। फिर हम देखते हैं कि ज़फ़र जो है वो फ़ोन कर रहा होता है कि हमें यासिन जल्दी से गाड़ी या टैक्सी भेज दो। उसके बाद एक गाड़ी आ रही होती है, वो अमर की होती है, वो पास से गुजर जाता है, फिर वो बातें करना शुरू कर देते हैं और वापस आता है, फिर उनको लेके हॉस्पिटल जाता है। वो यह कहती है गाड़ी को ज़रा जल्दी चलाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो कैमरू होती है अगले सीन में हॉस्पिटल में कह रही होती है कि ये मेरी माँ की ऐसी हालत शायद मेरी वजह से हुई है और अगर मैं वक्त पर वो इन्हेलर ढूंढ लेती तो उसे कुछ नहीं होना था। फिर उसको कहता है बिल्कुल खामोश रहो। इसी दौरान नारिन आ जाती है, वो कहती है कि वो पहले से ठीक है और वो होश में आने वाली है और तुम जाके अपनी माँ से मिल सकती हो। इसके बाद नारिन ये बात करके वहाँ से चली जाती है और लड़की अंदर चली जाती है। नारिन वहाँ से अपने ऑफिस में जाती है, कमाल भी उसके पीछे जाता है और जब उसके पीछे जाता है तो वो कमरे में जाके रो रही होती है। नारिन कमरे में जाके रोना शुरू कर देती है, कमाल उसे देख के बाहर आ जाता है। फिर इसके बाद थोड़ी देर वहीं पे खड़ा रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठ के उसको बच्चे को लेके जा रहे होते हैं, तो वो ओया अमर से कहते हैं कि गाड़ी को जल्दी चलाओ, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है। वो कहता है कि मैं कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं हूँ कि जो मैं गाड़ी जल्दी चलाऊँ। फिर इसके बाद कहती है कि हाँ हम मुझे तो भूल ही गया था कि तुम इसके बाप नहीं हो। यहाँ पर अगले सीन में कमाल जो है वो कमरे में वापस आ जाता है अपनी बीवी के पास और नारायण उसको देख के कहती है कि मुझे बाज़ूकात ऐसे लगता है कि जैसे मैं गिर जाऊँगी और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। फिर कमाल कहता है मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसी दौरान नर्स आ जाती है और वो कहती है कि आपकी वालदा को होश आ गई है। बाद में हम देखते हैं ओया और मलिक के बच्चे को लेके पहुंच जाते हैं। फिर वो जाते हुए अमर से कहती है कि हाँ तुम्हें तो इसकी फिक्र ही नहीं है, हमने ये बच्चा तुम्हारी वजह से नहीं, हमने तो ये मस्जिद में पाया था और तुम इसके बिल्कुल भी कुछ नहीं लगते और ना ही तुम पूछोगे कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं या हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है या नहीं। फिर वो जब जाने लगते हैं तो अमर उसको क्रेडिट कार्ड देता तो ओया इनकार करके चली जाती है। वहाँ पर एक औरत होती है, वो बच्चे की तारीफ वगैरह करती है और कहती है कि बच्चा बहुत खूबसूरत है और यकीनन ये आपकी तरह है और आप ही का बेटा होगा और बच्चे जो है वो बड़े होते हैं ठोकरें खा खा के और आप फिक्र ना करें। इसके बाद हम देखते हैं कि जेल का सीन दिखाया जाता है कि जावेदान बैठी होती है और वो देखती है कि फरीदे आई है और सारे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं फरीदे तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर होगी और अब तुम रह रहे हो तो हम तो खुद ही कर लेंगे, तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है। तो वो वहाँ पे एक पुलिस वाली आके कहती है कि फरीदे तुम्हारी मुलाकात आई है, तुम्हारा एक मेहमान है। तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, इंशाल्लाह सबके लिए एक अच्छी खबर लाऊंगी। सारी खुश होती है, इंशाल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर हो और एक अच्छी खबर के साथ तुम वापस आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जावेदान को दिखाया जाता है, वो रो रही होती है और कुछ सोच रही होती है और यहीं पर एक किस्त ख़त्म हो जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।